खबर उन्नाव से है, जहां कलेक्ट्रेट में सपा और भाजपा के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। सदर से सपा प्रत्याशी अभिनव कुमार और भगवंत नगर से अंकित परिहार ने नामांकन किया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सफीपुर विधानसभा प्रत्याशी बम्बालाल दिवाकर और मोहन विधानसभा से ब्रिजेश रावत ने भाजपा की ओर से अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर सपा से अभिनव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार का चुनाव अखिलेश यादव के किए गए वादों के साथ चुनाव में उतरेंगे, नौजवानों को रोजगार देने के लिए समाजवादी सरकार में काम किया जाएगा। मेयर है कि रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, किसानों को जो आजकल आप देख रहे हैं जानवर, उसकी उनको जो भी समस्या है वो पूरी की जाए, ये सब मेन समस्या। कल एक प्रत्याशी आरोप लगा गया कि समाजवादी पार्टी वाले जानवर छोड़ के जाते हैं। ये तो उनके पास विरोधी के पास कुछ बचा नहीं है, तो बस यही आरोप लगा रहे हैं सरकार उनकी। क्या लगता है कि कौन आपसे यहाँ लड़ाई बहुत तक होने वाली है आपके साथ में? जनता का आक्रोश देख के लग रहा है कि आने वाले 10 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। आप निकटतम प्रतिद्वंदी कितने वोटों से आप हराने जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं, जनता इसका जवाब दे। मेरा प्रयास शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं प्रयास करूंगा कि और काम कराऊं। हमारा क्षेत्र जो पिछले 5 वर्षों में काफ़ी चीज़ों को मैंने सुधार की तरफ कराने का काम किया है, लेकिन अब की बार जो है जो काम शेष है मैं उनको भी कम करा। हमारा जो क्षेत्र की समस्या है, जो मतलब किसान समस्या थी, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, उसमें गौशालाएँ बन रही हैं, जहाँ पर नहीं बनी है वहाँ पर भी लोग पकड़वाने का काम प्रशासन के द्वारा कराया गया है, और जहाँ पर गांव-गांव में गौशालाएँ बना के उनको व्यवस्थित करने का काम हमारी सरकार के रूप से करेगी। लोकल स्तर पर मुझे शिक्षा के क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार मैं सफीपुर में एक बड़ा डिग्री कॉलेज।